दोस्तों अपने क्लाउड स्टोरेज के बारे में सुना होगा, आज बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज होता क्या है और ये काम कैसे करता है। कई लोगों का मानना है क्लाउड स्टोरेज मतलब बादलों में कोई स्पेस है उसके अंदर आप अपनी मेमोरी स्टोर करते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं क्लाउड स्टोरेज क्या होता है तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत बात। लेट्स स्टार्ट। कई लोगों का मानना है कि क्लाउड स्टोरेज मतलब बादलों में कोई ऐसी टेक्निक लगाई गई है जिससे आप अपने डेटा बादलों में स्टोर कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। क्लाउड स्टोरेज मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पर आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे फोटो वीडियो या फिर आपको कोई और डॉक्यूमेंट आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं। ये आपको कई तरह मिलते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है वो भी एक क्लाउड स्टोरेज ही है। ये आपको जितने भी सर्वर है उनमें अपने डेटा स्टोर करने का ऑप्शन देता है, यानी कि गूगल का अपना डेटा सेंटर है, फेसबुक का अपना है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां उन सभी का अपना अलग डेटा सेंटर है। आप अपना डेटा जैसे ही यार मान लो गूगल ड्राइव अपना डेटा अपलोड करें या फोटो वीडियो आप उन्हें गूगल ड्राइव पर अपलोड करते हैं तो वे सभी जाकर उन गूगल कंपनी के सर्वर में सेव हो जाते हैं, और जो सेव सर्वर होते हैं वे आपके डेटा को काफ़ी संभाल कर रखते हैं, यानी कि उनकी 3-4 मल्टीपल बैकअप बना कर रखते हैं। आप जानते हैं सर्वर क्या होता है तो उसके बारे में वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो जितने भी आपका डेटा है ये सारे सर्वर में स्टोर होते हैं, ये कोई क्लाउड स्टोरेज है। सी का मतलब है जितनी, यानी कि गूगल ड्राइव है इसे आप क्लाउड स्टोरेज भी बोल सकते हैं या फिर इसे गूगल ड्राइव भी बोल सकते हैं। जितने भी आपको डेटा स्टोरेज मिलते हैं चाहे वो कोई और प्रोग्राम हो, ये सभी आपको क्लाउड में का मतलब होता है इनका डेटा सेंटर में अपना डेटा सेव करने का ऑप्शन देते हैं, ये होते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का मतलब बादलों में डेटा सेव करना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आप अपने डेटा को उनके सर्वर में सेव कर सकते हैं, यानी कि वे आपको स्टोरेज अवेलेबल कराते हैं। यानी कि गूगल ड्राइव में आप डेटा अपना पब्लिश करते हैं तो आपको उसमें 15 GB का स्टोरेज मिलता है। हाँ, आप और ज़्यादा डेटा उसमें अपलोड कर देते हैं तो आपको उसी हिसाब से उसमें खरीदना होगा। आपको वहाँ पर 5 GB 10 GB आपको डेटा मिल जाता है, उसमें आप अपने डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये होते हैं क्लाउड स्टोरेज। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा क्लाउड स्टोरेज क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।